हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मेरा नाम है शुभेंदु और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर आप कौन सा खरीद सकते हैं। बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर हैं मार्केट में जो 8,000 रुपए की रेंज में, 12,000 की रेंज में, 30,000 की रेंज में आ रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 30,000 रुपीज की रेंज में आप कौन सा बेस्ट वैक्यूम क्लीनर खरीद सकते हैं। हैंडहेल्ड वाला इस तरह का है, आप देख सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है और मैंने अपने लिए जो खरीदा है मैं वो आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। काफी सारी कंपनीज को मैंने चेक करा, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो फिलिप्स, कार्शर, टाइसन, टिंको और प्रोसीनिक, ये 5 कंपनीज है जिनकी मैंने रिसर्च करा, जिनके 30,000 के ऊपर के प्रोडक्ट्स आते हैं। सबको एनालाइज करने के बाद मैंने एक पर्टिकुलर आइटम को खरीदा है, अपने लिए ऑर्डर करा है और वो 34,900 रुपीज का आता है। डायसन का नाम सबसे ज्यादा है इंडस्ट्री में, क्योंकि डायसन ने सबसे ज्यादा मार्केटिंग करी है और उसके स्टोर्स भी आप देख सकते हैं अगर कहीं पर भी घूमने जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर देखेंगे, डायसन ने एक्चुअली काम भी बहुत अच्छा करा है और अपना इनोवेशन भी बहुत सुपर्ब करा है। डायसन ने इनोवेशन इतना बढ़िया करा है और हैंडल वाला स्टाइल भी डायसन ही लेकर आया है। तो टाइसन का आने के बाद काफी सारे और कंपेटिटर्स, चाइना की कंपनी, मलेशिया की कंपनी, इंडिया की भी कोई कुछ कुछ कंपनियां खुद अपने नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आए। तो आज जो बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट में वो आपका है टिंको का प्रो, टिंको S12 Pro 1 EX। ये आपका मॉडल है जो आपका बेस्ट प्रोडक्ट मेरे को लगा मार्केट में, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, हम लोग को वैल्यू फॉर वैल्यू वाली परचेज करने का मन करता है और वैल्यू फॉर मनी आइटम होना चाहिए, तभी हम उसके अंदर पैसा लगाना पसंद करते हैं। टिंको वाला प्रोडक्ट मैंने इसलिए चूज करा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वाला प्रोडक्ट है टिंको का जो मेरे को पसंद आ रहा है। और ये मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि ये आइटम आपका जो है सबसे ज्यादा आपको अटैचमेंट्स देता है और ये डायसन के जो जितने का V8 आता है, डायसन V8 अगर देखेंगे तो वो 31,900 रुपीज का आता है और डायसन का V12 जो है वो आपका 55,000 का आता है। तो जो डायसन का V12 55,000 वाला है उसकी सारे फीचर्स इसके अंदर है, लगभग 95% तक, 5% शॉर्ट है, लेकिन बिल्कुल हम ऑब्वियसली V8 से तो बेटर है कि आप ये S12 वाला टिंको वाला प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि ये आपको सारे फीचर्स देता है, लगभग 10 अटैचमेंट्स देता है और बहुत एंडलेस चीजें देता है। 2-3 चीजें जो इसकी सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो मैंने सब रिसर्च करके निकाला उसके बाद मेरे को लगी, एक तो जब भी आप इसको हैंड हेल्ड करते हैं तो आप इसमें लॉक, ऑटो लॉक लगा सकते हैं या फिर रोकने वाला आपको कंटिन्यूसली बटन नहीं दबा के रखना पड़ता जो डायसन में रखना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो थक जाते हैं एक्चुअली करते करते, तो इस वजह से आप देखेंगे तो ये वाला ज्यादा बेटर लगता है। दूसरा कि इसकी बैटरी टाइम देखेंगे तो 2 बैटरीज देता है, प्लस अगर स्क्रीन पे जब इसको या फिर दीवार पे जब इसको टंगाते भी हैं तो उसमें दोनों बैटरी साइमल्टेनियसली चार्ज होती है, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बैटरी आपकी वीक हो रही है या फिर खराब हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ अगर देखेंगे V8 में आपका स्क्रीन वगैरह नहीं आता है, इसमें आपको स्क्रीन भी मिलता है ऊपर, सारा एनालिसिस करता है, अगर कहीं गंदगी है तो रेड लाइट आ रही होगी, जब वो क्लीन हो जाएगा तब ब्लू लाइट आ रही होगी। इसके अलावा बैटरी कितना ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है, कितनी गंदगी खींच रहा है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ आपको बताता है। प्लस ये स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट हो जाता है जो एक गिने की फीचर है, लेकिन यार एक फीचर एक्स्ट्रा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको उसी रेट में मिल रहा है जितना आपका V8 मिल रहा है। V8 के हिसाब से अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंजम्पशन पावर की जो इसकी स्ट्रेंथ है वो लगभग सेम ही है, हल्की सी ज्यादा होगी लेकिन बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। और इसका एस्थेटिक लुक वाइज देखेंगे तो ये ऐसा चमकता हुआ आपके स्क्रीन पे नहीं लगता है या दीवार पे नहीं लगता है, सॉरी, अगर आप इसको देखेंगे तो ये ब्लेंडेड हो जाएगा आपके पूरे एस्थेटिक से और घर के साथ, तो बहुत प्रीमियम, बहुत अच्छा लगेगा। ये सारी रीजन है जिसने मेरे को फोर्स करा ये खरीदने को। मैं सोच रहा था डायसन ही खरीद लेता हूँ, रैदर मैं एक बार स्टोर पे जाकर मैंने सोचा था ले ही लेता हूँ हाथों हाथ, क्योंकि मेरे को अपने लिए लेना ही था। हमने क्यों सोचा एक ऐसा ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर खरीदने की, क्योंकि हम लोग एक घर बना रहे हैं, घर में हम सोच रहे थे पूरा वैक्यूम सिस्टम लगा देंगे जिसमें बेसमेंट में आपका पूरा वैक्यूम लग जाएगा और पूरे घर के अंदर जहां जहां कमरे हैं वहां पर होल्स लग जाएंगे और बस अपना होस पाइप लगाया और अपनी घर की सफाई करनी है तो कर दी, बहुत पीस ऑफ माइंड रहती है। लेकिन फिर लगाया यार वो सिस्टम 7-8 लाख रुपए का आ रहा है, अब जितनी एडवांसमेंट होती जा रहा है, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो भी कारपेट वगैरह क्लीन करते रहता है, डॉग्स के साथ भी कंफर्टेबल होता है, डॉग हेयर भी उठा लेता है, तो अगर वो नहीं देखिए तो टॉप लेफ्ट साइड में मैंने लिंक दे रखा है, आप वो जाकर देख सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको वो खरीदना है या ये खरीदना है। इकोवैट वाला मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा था, उसका भी रिव्यू मैंने बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं।
मैंने सोचा कि यार घर में हम लोग 7-8 लाख रुपए का खर्चा लगाएंगे और स्टार्टिंग से घर बन रहा है तो इसमें ही हम पूरा सेटअप करते हैं, उसके बजाय हम लोग एक हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर खरीद लेते हैं और इसको सेट करके चेक करके देखते हैं क्या हमको सेंट्रलाइज वैक्यूम क्लीनिंग की जरूरत भी है कि नहीं है। वो काफी प्रीमियम और काफी पॉश घरों में लगता है, तो इस वजह से हमने सोचा यार चलो छोड़ते हैं उसको और इसको देखते हैं। अभी भी हमको लगता है क्योंकि हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है घर, हम अभी भी उसको सेटअप करवा सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट बेस्ट है टिनको वाला, आप बिल्कुल कंसिडर करिए इसको खरीदना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं, बेझिझक आप इसको खरीद सकते हैं। मैं भी अनबॉक्सिंग करके पूरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कल या परसों तक डिलीवर हो जाएगा। जब डिलीवर हो जाएगा पूरी अनबॉक्सिंग सारी चीजें दिखाऊंगा, मैंने फुल डिटेल रिसर्च करी है। अगर वेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो मेनली तीन चीजें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ती है कोई भी वैक्यूम में। फर्स्टली डस्टबिन का उसका साइज कितना है, सेकेंडली बैटरी लाइफ कितनी ज्यादा है, और थर्डली उसका पावर कंजम्पशन जो सब करता है वो एयर वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये तीनों चीजों पर अपने प्राइस में एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी है। इसका डस्टबिन साइज एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स विच आर देयर इन द इंडस्ट्री बड़ा है। अगर देखेंगे बैटरी लाइफ, ये 100 मिनट्स की बैटरी आपको देता है विच इज मच मोर देन एनी अदर थिंग इन द मार्केट। मेजरली इसलिए क्योंकि इसकी दो बैटरी है 50-50 मिनट्स की जो आप साथ की लगाकर चार्ज कर सकते हैं। थर्डली अगर बात करेंगे, डस्टबिन साइज के बारे में बता दिया, उसके बारे में भी बता दिया। सक्शन पावर की अगर बात करेंगे तो सक्शन पावर भी आपका इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, V8 और ये V10 के बराबर का इसका सक्शन पावर है। अगर आप और भी वीडियो देखेंगे तो कंपैरिजन में जो मैंने रिसर्च करके निकाला है वो ये V10 वाला, डायसन की V10 वाला सक्शन पावर आपको देता है। प्लस इसके साथ ये मेजर तीन पॉइंट्स हो गए। इसके साथ अगर बात करेंगे तो और अगर हेड्स देखें तो इसमें आपको दो हेड्स अलग मिलते हैं। जैसे डायसन में अगर देखेंगे, अभी ऑफर भी चल रहा है अमेज़न का अगर देखेंगे तो 10,000 रुपीज के एक्स्ट्रा आपको कॉम्प्लीमेंट्री अटैचमेंट्स दे रहे हैं। लेकिन ये सब बकवास है यार, ये सिर्फ मार्केटिंग करने के तरीके हैं। तो मेरे को डायसन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, V8 तो बिल्कुल ही नहीं लगता, क्योंकि टिनको आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहा है। और अगर मार्केट में देखेंगे US में ये $700 का अप्रॉक्सिमेटली, अगर आप डिस्काउंट में लेंगे तो $600 का मिलेगा। दैट इज ऑल्सो मच मोर देन अराउंड 48,000 रुपीज का। इंडिया में सेम प्रोडक्ट आपको 34,900 रुपीज में मिल रहा है, तो मतलब अल्ट्रा वैल्यू फॉर मनी है। प्लस इसमें और अच्छे फीचर्स क्या लग रहे हैं, जितने भी आपकी इसकी मेन दृश्य देखेंगे उसमें इनमें लाइट्स लगी हुई है, तो कभी भी आप अंधेरे में भी करना चाहते हैं क्लीनिंग तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आराम से क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखें तो जब भी आप क्लीन करते हैं तो आपको वो डर्ट डस्ट दिख भी नहीं पाती है और वो उस लाइट की वजह से दिखती है, तो आप आराम से उसको पिकअप कर सकते हैं। इसमें अटैचमेंट्स जो दे रखे हैं वो इतने सारे हैं कि अगर आप कभी कभार आप इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो इतने सारे अटैचमेंट्स के लिए के साथ, क्योंकि आपको एक कंप्लीट बिल या फिर एक ड्रॉअर बनानी पड़ेगी जिसमें आप इसके 10-12 अटैचमेंट रखो, क्योंकि अगर आप ऐसे पड़े रह लोगे तो खो देंगे। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि छोटे छोटे अटैचमेंट भी हैं, जैसे आपको कार क्लीनिंग के लिए चाहिए तो एक होज पाइप दे रखा है, इसमें पाइप से आप क्लीन कर सकते हो। कहीं ऊपर टेढ़ी जगह पे क्लीन करना है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल अलमारियों के ऊपर करना है तो इसमें एक बेंड ओवर वाला पाइप भी है, तो आप उसको लगाकर क्लीन कर सकते हो। तो ये सारे बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल कंसिडर करने चाहिए खरीदने के टाइम। और ये प्रोडक्ट अल्टीमेट है, मतलब अभी मार्केट में 30,000 के ऊपर की रेंज के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट इससे बेटर नहीं है। अगर आप चाहते हो कुछ प्रोडक्ट्स इससे नीचे खरीदने की तो मेरी दो और वीडियोस हैं, एक 12,000 के 12-15,000 रुपए तक के जो वैक्यूम क्लीनर्स हैं हैंडेड वाले वो, और उसके नीचे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ 3,000 वाले खरीदो, 4-5,000 वाले खरीदने का भी कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि उसका सक्शन पावर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तब भी मैंने उसकी वीडियो बनाई है, जो बेस्ट है उनकी वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर और रिसर्च करके देख सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन में भी आ रही होगी आप वो भी देख सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मैंने डिटेल में बताया, प्लस अनबॉक्सिंग जब करके दिखाऊंगा आपको तो आप वो भी देख सकते हो। टिनको में और भी बहुत फीचर्स हैं, बिना बेझिझक आप इसको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खरीद सकते हो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से रिसर्च है ये चीजें, और तभी मैंने अपने लिए भी खरीदा है। अगर कुछ सामान मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ तो ऑब्वियसली बेस्ट थॉट देकर बेस्ट दिमाग लगा के खरीद रहा हूँ। सो दैट्स अबाउट इट, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं उनसे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूं, और टिनको बेस्ट है एक्चुअली, तो मेरे को कुछ भी नहीं लगा। डायसन बहुत ज्यादा मार्केटिंग करते हैं और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा प्रोडक्ट बेकार है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं है इंडियन कस्टमर के लिए, तो वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों के लिए बेस्ट चीज है कि आप टिनको वाला लो, इसमें 10 अटैचमेंट मिलेंगे, अच्छा फीलिंग आती है यार, इतना सारा फ्री फ्री मिल रहा है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, दैट्स गुड, मतलब मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी वो। और दो इसकी जो मेन ब्रशेज हैं, इसमें जो दो मेन ब्रशेज मिलते हैं वो एक कारपेट क्लीनिंग के लिए स्पेशल टूल है
जो अगर घर में कारपेट है या फिर कहीं पर भी मेरे जैसे इस ऑफिस में जिसमें मैं बना रहा हूँ स्टूडियो में अपने, यहाँ पर भी कारपेट फ्लोरिंग है तो उसके लिए वो बहुत अच्छा है। और हार्ड फ्लोर के लिए मेनली जो इंडियन कस्टमर को चाहिए होता है, हर जगह देखो टाइल या फिर ग्रेनाइट ये सब लगा होता है, तो उसके लिए हार्ड फ्लोर के लिए इनके पास जो स्पेशल आइटम है वो बहुत ही सही है और हार्ड फ्लोर को एब्सोल्यूट क्लीन करता है, एकदम छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल सब उठाता है। और जो इसका स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है और डिस्प्ले है वो भी आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बताएगा। सो यही है पर्पस, रीजन जिसकी वजह से मैंने टिनको खरीदा है, और मैं भी आपको बोलूंगा आप जाकर खरीदिए। मेरे अगर नीचे अफिलिएट लिंक से खरीदेंगे तो उससे मेरे को भी मदद होगी, चैनल की भी मदद होगी, और इस तरह की मैं कंटेंट और बना पाऊंगा आपके लिए, और फाइनेंशियली हमारा सपोर्ट होता है उससे। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।